हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट स्टार्ट विद द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे हम देखेंगे कि निफ्टी जो है तो इस महीने के लिए ट्रेड कर रहा है लगभग 8% डाउन। लगभग हमने 1,350 पॉइंट को लॉस देखा है टॉप से। लास्ट मंथ भी हमने जो है तो नेगेटिव क्लोजिंग देखी, लगभग 2% नीचे बंद हुआ था निफ्टी। और इस महीने जो है तो ऑलरेडी हम लगभग 8% डाउन चल रहे हैं 1,350 पॉइंट के लॉस के साथ। तो यहाँ क्लियरली हमें लॉन्ग टर्म करेक्शन दिख रहा है ऑन मंथली चार्ट, और जिसका टारगेट जो है तो लगभग अभी आने वाला है जो है 15,500। उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा लगभग 13,200 के अराउंड, जो रहेगा 50 मंथ का एवरेज जो है सिचुएटेड अराउंड 13,200। तो यहाँ अगर आप डीपर करेक्शन आता है तो 13,200 एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि निफ्टी ने सपोर्ट लिया था इसके 100 मंथ एवरेज के अराउंड, जो था लगभग हमने 8,400। यहाँ हमने नीचे के लेवल देखे थे 7,500 की तरफ, मगर यहाँ मेजर सपोर्ट लिया था 8,400 के अराउंड, वहाँ से हमने फिर लगभग 18,500 तक रैली देखी थी। तो अभी करंटली हम करेक्शन फेज में हैं और ये करेक्शन डीपर भी हो सकता है आगे चल के। करंटली मुझे लगता है 15,500, उसके बाद में 13,200 के लेवल आपको निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं इस वीक हम लगभग 4% नीचे बंद हुए हैं, लगभग 650 पॉइंट लॉस के साथ। लास्ट वीक जो है तो हमने 715 पॉइंट का लॉस देखा था, लगभग 4% प्लस। तो सेम यहाँ अच्छी खासी सेलिंग चालू है, प्रॉफिट बुकिंग जो है तो मेजर हैंड्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और यहाँ दिक्कत भरी बात ये है कि हम जो है तो 50 वीक का एवरेज है उसके नीचे अच्छे खासे स्लिप हो चुके हैं। 20 वीक और 50 वीक के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और अभी हम 100 वीक के तरफ जा रहे हैं जो है 15,200, और उसके नीचे जाते हैं तो 13,400 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ 15,200 और उसके बाद में 13,400 के टारगेट आपको शायद मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। तो करंटली यहाँ जो है तो हमने पिछले चार्ट में देखा 15,500 और 15,200 यहाँ दिख रहा है। तो ये टारगेट आप नेक्स्ट वीक के लिए पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ बीच बीच में बाउंस बैक भी आपको देखने को मिलेंगे और वो भी शार्प रहेंगे, मगर जिस तरह से FII बेच कर जा रहे हैं यहाँ जो भी बाउंस बैक आएगा वो आपको सेलिंग में ही कन्वर्ट होते दिखेगा। तो यहाँ मोस्टली मेरा व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा। बाइंग हम कर सकते हैं, मगर आई विल नॉट कैरी एनी बाय पोजिशन फॉर पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे में कैरी कर सकते हो, पोजिशनल में बाय कैरी करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और वो आपके अगेंस्ट अगर जाता है तो आपको लॉसेस भी बहुत बड़े उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी ऑन वीकली बेसिस बढ़ रहा है 15,200 की तरफ। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने यहाँ ब्रेकडाउन देखा था 200 डेज एवरेज के अराउंड, जो था लगभग 16,750 के अराउंड, और उसके नीचे हम कंटिन्यूसली स्लिप करते जा रहे हैं। अभी यहाँ निफ्टी जो है तो ओवर सोल्ड है, मगर यहाँ कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी बाइंग का जो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर बाइंग भी आती है तो उसको उसी तरह से सेलिंग भी वहाँ आ जाती है और वो उसको जो है तो बाइंग को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ जब तक निफ्टी जो है तो 16,100 के लेवल के नीचे है तब तक मेरा व्यू रहेगा सेल ऑन राइज। नीचे जो टारगेट रहेंगे 15,500 15,200 फॉर नेक्स्ट वीक। अगर 16,100 के ऊपर जाते हैं तो हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो निफ्टी को लेकर जाएगी 16,750 की तरफ। तो आपको यहाँ क्लियरली वॉच करना है 16,100 का लेवल, 16,100 का लेवल, उसके अगर ऊपर क्लोज होते हैं हम तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी जो निफ्टी को लेकर जाएगी 16,750 के लेवल की तरफ। अगर उसके नीचे जब तक है मुझे लगता है कि यहाँ सेलिंग ही देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ नीचे 15,500 और 15,200 ये टारगेट में पकड़ के चलूंगा और नेक्स्ट वीक। ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,100 का, 16,100 का। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको जो है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका जो व्यू है वो बदल देना है, और यहाँ आपको लॉन्ग साइड रहना है क्योंकि वहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। ऑप्शन ट्रेडर फ्यूचर के लिए भी
सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 16,100 के नीचे मेरा सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा विद सिक्स स्टॉप लॉस, टारगेट 15,500-15,200 फॉर नेक्स्ट वीक। अगर निफ्टी 16,100 के ऊपर क्लोज देता है तो आई विल गो लॉन्ग फॉर टारगेट 16,750। ऑप्शन ट्रेडर भी आपको 16,100 के नीचे इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। अगर निफ्टी 16,100 को क्रॉस करके क्लोज होता है सक्सेसफुली तो आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है, उसमें हम डिप्स पे एक्युमुलेशन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अभी वोलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी और हम जो है तो ऑलरेडी विक्स पे 23-24 पे चल रहे हैं, तो यह आपको आगे चल के दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। बहुत बड़े बड़े कैंडल आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ अगर बॉटम पे कैपिचुलेशन स्टेज आई तो आपको जो है तो एक जो नए इन्वेस्टर आए हैं मार्केट को उनको एक अच्छा खासा नया फिनोमेनन देखने को मिलेगा, किस तरह से जो है तो मार्केट में पैनिक में मार्जिन कॉल होते हैं या फिर किस तरह से प्राइजेस जो है तो बायर के अब्सेंस में किस तरह से स्लाइड होती है, या ये सभी चीज़ें आपको देखने को ऑलरेडी मिल रही होगी और ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट से पूरे बायर्स ही नदारद रहेंगे तो उसके वजह से प्राइजेस जो है तो अपने आप ही उनके वेट के अंडर जो है तो कोलैप्स होते रहते हैं। अगर मार्केट में कोई भी बायर नहीं रहा तो कम सेलर भी मार्केट को जो है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और वो आपको फिनोमेना आगे चल के देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्लियरली मेरा बेयरिश व्यू है, जब तक 16,100 के नीचे है तब तक हम बेयरिश व्यू ही रखेंगे मार्केट में, टारगेट रहेंगे 15,500-15,200 और नेक्स्ट वीक। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो ही हम सोचेंगे शॉर्ट कवरिंग रैली का, और उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे ओनली 20% लगती है, 20-30% और 70% चांसेस है कि हम जो है तो नीचे के ही लेवल आने वाले समय में निफ्टी पे देखते हुए देखेंगे। यहाँ जो है तो अगर आप बड़े चार्ट पे देखोगे तो हो सकता है यहाँ हम जो है तो 13,400-13,500 के लेवल जो है तो एक लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अभी ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो यहाँ कोई मुझे रिस्पेक्ट आते हुए नहीं दिखेगा। और यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इंडिया के या यूएस के दोनों को भी तो यह आपको जो है तो इन्वेस्टर के तरफ से जो है तो पैसे निकल लिए जाएंगे मार्केट से और उनको सेफ हेवन एसेट जो रहते हैं बॉन्ड्स या फिर बाकी के चीज़ों में आपको वो पैसे मूव आउट होते हुए देखेंगे। वो ऑलरेडी चल रहा है मगर वो उसका प्रेशर और बढ़ेगा अगर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है तो कंटिन्यू रहता है। तो यह एक जो नए इन्वेस्टर आए हैं उन्हें पहली बार शायद बियर मार्केट देखने का मौका मिलेगा, और यहाँ जो है तो जो यहाँ से सर्वाइव होंगे तो उनके बारे में एक कॉन्फिडेंस बात है, एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये मार्केट सर्वाइव कर लिया ये बियर मार्केट तो आप कम से कम अगले 5-10 सालों तक मार्केट में टिके रह सकते हैं, क्योंकि आपको एक बड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे प्रीमियम कॉल चाहिए तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।